पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो? वर्क फ्रॉम होम वाली पार्ट टाइम जॉब चाहिए? 2000 रुपये दिन के कमाने हैं? मेरे पास आइए, एक अपॉर्चुनिटी। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में। एक ऐसी जॉब जो आप घर से बैठे कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू मोबाइल पर आप इजीली कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब दे रही है KPMG डिजिटल मार्केटिंग में, और यहाँ पर आपको अर्निंग अप टू 2000 इन्होंने बताया मेरे को। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी व्हाट्सएप चैट दिखाता हूँ जहाँ पर मेरे को सबसे पहले ये ऑफर आया है। और ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ऑफर आया जिसमें नेहा करके HR हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया अगर मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, अगर इंटरेस्टेड हूँ तो मैं यस लिख के भेजूँ, और वो मेरे को फर्दर डिटेल्स देंगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आई एम कम्फर्टेबल, मैं करना चाहता हूँ, मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया इस जॉब में। और उसके बाद उन्होंने मेरे को डिटेल्स समझाए कि उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि डिजिटल, बिकॉज आज की डेट में हर कोई रिव्यूज देखता है, हर कोई देखता है कि किस तरीके का टेस्ट है। रिव्यूज आज की डेट में एक पैरामीटर है क्वालिटी का, जो आप कोई भी, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां पर अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप? देखेंगे उसके रिव्यूज कि कैसा प्रोडक्ट है ये, उसके बाद ही आप परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो आजकल जो हमारे जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो रिव्यूज हैं, वो एक तरीके से सोशल मीडिया करेंसी है। और इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया और बोला कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारे को अपनी रेटिंग्स इम्प्रूव करानी है, हमारे को SEO करना है, अपने गूगल पर जो उन्होंने स्टोर बनाया है उसका SEO करना है, तो इसी चीज़ को वो प्रमोट करते हैं, इसी चीज़ को वो करते हैं। तो यही उन्होंने अपना मेरे को प्रोजेक्ट बताया कि वी हैव टू रिव्यू देयर एडवर्टीजमेंट्स, या जो भी वो टास्क देंगे रिव्यू करने के लिए, वो टास्क हमें कंप्लीट करने हैं, और उसके बेसिस पे, पर टास्क बेसिस पे एक अमाउंट फिक्स होगा। और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर 4 or 5 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं आपके, आपको वो मनी जो है मिलेगी, उसकी एकुमुलेटेड अमाउंट जो हुआ होगा वो आपको मिलेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो नेहा ने बताया, जो HR हैं KPMG की, उन्होंने मेरे को ये बताया। सो देखिए दोस्तों, इन्होंने मेरे को बताया कि वी आर हायरिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब फ्रॉम होम, ओके, आवर कंपनी इज वर्किंग टू प्रमोट होटल्स रेस्टोरेंट इन इंडिया, ओके, सो दिस इज द बेसिक जॉब दे आर डूइंग फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि 30 रुपीज से लेके 210 रुपीज तक आपको मिल सकते हैं एक रिव्यू करने के, ओके, आप ये मैसेज में देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कई सारे टास्क एक दिन में मिलेंगे, और टोटल सम अमाउंट जो होगा रिव्यूज का, वो अराउंड आपका 2100 तक हो सकता है पर डे। सो दोस्तों, 2100 रुपीज पर डे इज अ गुड इनकम, अच्छी इनकम है, ठीक है, बहुत ही अच्छी। और इन्होंने ये भी बताया मेरे को कि कोई भी चार्जिंग फीस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी, कोई भी फीस नहीं देनी है। तो मैंने उस पर एक्सेप्टेंस करी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, एक टास्क दिया उन्होंने मेरे को, आप देखिए मेरे को, नेहा ने मेरे को एक टास्क दिया है कि मेरे को एक रेस्टोरेंट दिया है, रेस्टोरेंट का लिंक दिया है, मैंने उस पर रिव्यूज़ डालने हैं, ओके, सो मैंने बिल्कुल उस टास्क को एक्सेप्ट किया, और मैंने रिव्यूज़ डाले भी, और होटल का रिव्यूज़ डालने के बाद मैंने बोला कि मैंने डाल दिया है, और मैंने उस गूगल अकाउंट से जो मैंने रिव्यू डाला था उस रेस्टोरेंट का, उस रेस्टोरेंट पे रिव्यू का मेरे को एक स्नैपशॉट इनको भेजना था, इन्होंने मेरे को बोला, और मैंने वो टास्क फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है, और डेमो टास्क दिखाने के बाद उन्होंने मेरे से नाम और एज सारी डिटेल्स पूछी, और सैलरी कोड बताया मेरे को एक, और वो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आप को जो पेमेंट आएगी उसके लिए इनके ऑफिस की जो रिसेप्शनिस्ट है उनके साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं, देन दे सेंड मी अ लिंक ऑफ टेलीग्राम। मेरे पास टेलीग्राम की ऐप पहले से इंस्टॉल थी, मैंने जैसे ही लिंक को क्लिक किया, मेरे को उन्हीं का कॉन्टैक्ट आ गया, और मेरे को कनेक्ट करने के लिए बताया उन्होंने, और फिर उसके बाद मैंने
वहाँ पे कनेक्ट कर लिया टेलीग्राम पे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि टेलीग्राम पे कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे ये टास्क का स्क्रीनशॉट भेजा। सो दोस्तों देखिए, ये मैंने अपना स्नैपशॉट समंथा अरोड़ा जी को भेजा है, और उसके बाद उन्होंने मेरे को ग्रीटिंग करा है, जिस तरीके से वेलकम करते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल पूछी है, पेमेंट कोड पूछा है, डिटेल्स, फुल नेम, यूपीआई आईडी पूछी है, एज, जेंडर, प्रोफेशन और व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने मुझसे कंफर्म किया है। बिकॉज डिटेल जो नेहा जी थी उन्होंने वो डिटेल भेजी इनको, और वो क्रॉस वेरीफाई करी है अपने डेटाबेस में डालने के बाद। और उसके बाद इन्होंने मेरे को ये सारी डिटेल्स पूछी, मैंने ये डिटेल्स उनको दे दी हैं। उन्होंने मेरे को इसके बाद बोला कि जो कनेक्ट है करना है मेरे को, ऐड अकाउंट करना है। उसके बाद इन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं इनको टेलीग्राम ऐप पर ऐड कांटेक्ट में कर लूँ। मैंने ऐड कांटेक्ट कर लिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, ठीक है। मैंने ऐड करा उनको, और उसके बाद मैंने जब उनको सैलरी कोड बताया और उनको बताया कि मैंने डेमो टास्क कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी जो डेमो टास्क की जो पेमेंट है 210 रुपीज़, वो आपको पेमेंट रिसीव होगी आपके यूपीआई पे। और देखिए दोस्तों, मेरे को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला उन्होंने, 10 to 20 मिनट्स के बाद। उसके बाद उन्होंने मेरे को ये स्नैपशॉट भेजा कि मेरी पेमेंट जो है वो फेल हो गई है, बट मेरा यूपीआई आईडी सही था, बिल्कुल पेमेंट फेल हो गई, तो मुझे डाउट हो गया। बट उसके बाद सडनली थोड़ी देर बाद मैंने उनको दोबारा से बताया कि नहीं, मेरी यूपीआई आईडी सही है, तो उसके बाद वो पेमेंट हो गई। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखाता हूँ। और दोस्तों ये देखिए, मेरे पास 210 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, और विद इन 10 to 20 मिनट्स मेरे को ये रिसीव हो गए थे। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि मेरे को पेमेंट रिसीव हुई है नहीं। मैंने उनको कंफर्म कर दिया कि यस, मेरे को पेमेंट रिसीव हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की कि फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई है पार्ट टाइम में, आज तक कभी भी रिसीव नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उसके बाद उन्होंने मेरे को अपने जो वर्क है उसकी डिटेल्स बताई, जैसे कि ये मैसेज आप देखिएगा, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू योर वर्क इन डिटेल। आवर प्लेटफॉर्म मेनली हैंडल्स रेटिंग एंड वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड सेवरल मर्चेंट्स टास्क दैट आर ओनली 3 to 10 मिनट्स ईच। और इन्होंने बताया कि वर्किंग आवर्स भी हैं इसके, 8:50 AM से लेके 6:30 PM तक ही ये टास्क आते हैं इनके ग्रुप में, इनके प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ से उसके बाद जो टास्क हम कंप्लीट करते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी पेमेंट मिलती रहती है, अकुमुलेट होके आपको पेमेंट मिलती है। और जैसा कि मेरे को एक्सपीरियंस रहा, 4 टास्क की पेमेंट्स एक बार में रिसीव हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्लीज़ एंश्योर यू फॉलो द ग्रुप। उसके बाद इन्होंने मेरे को ये बोला कि इसका एक ग्रुप है इनका, जिस ग्रुप में वो टास्क देते हैं उसमें मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, और उस ग्रुप में वो टास्क देते हैं, और वो टास्क एज इट इज़ कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बाद उनको पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्लीज़ एंश्योर यू फॉलो द ग्रुप इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। कंप्लीटिंग ऑल 21 टास्क फॉर द डे विल अर्न यू अ टोटल ऑफ 8,300 रुपीज़। इट्स ओके। उन्होंने मुझसे पूछा कि 21 टास्क के आसपास आपको मिलेंगे एक दिन में, और उसका सम अप जो होता है अराउंड 8K के अराउंड होता है, विच इज़ गुड अमाउंट, ठीक है। एक दिन की अर्निंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा अमाउंट है, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उस पर बिल्कुल ओके लिख दिया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ के लिए। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि ये 6 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, तो उन्होंने बताया कि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देती हूँ। जो समंथा थी उन्होंने मेरे को ग्रुप में एक मैं ज्वाइन करा दिया। उसके बाद मैं जब ग्रुप में एंटर हुआ, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, और लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। उसने उन्होंने काफ़ी सारे स्नैपशॉट्स भी डाले हुए थे। मैंने फिर उनसे पूछा, यही ग्रुप है, इस ग्रुप की फ़ोटो दिखाई मैंने, और उन्होंने कंफर्म किया, और उन्होंने बोला कि गुड नाइट, आज के लिए यही है, कल आप आते हैं, रिटर्न आते हैं, और टास्क हमारे कंप्लीट करते हैं, तो 50 रुपीज़ का एक बोनस भी उन्होंने मेरे को दिया। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, राइट। ओके, तो नेक्स्ट डे, सो दोस्तों हम उसी ग्रुप में हैं अब, जिस ग्रुप में ये सारे टास्क दिए जाने हैं, जहाँ से आप टास्क करके अर्निंग करेंगे, राइट। तो देखिए, जैसे मैंने ग्रुप ओपन किया, उसमें काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी थे, अराउंड
941 मेंबर्स उस ग्रुप में थे, मैं भी उस ग्रुप में ऐड हो गया था। तो मैंने कहा कि इतने सारे लोग हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी सारे लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास एक फर्स्ट मैसेज जो आया वो आया, ओपन गूगल मैप देन गिव द रिव्यू ऑन दिस कंपनी, टास्क टाइम 10 मिनट्स, इफ़ यू हैव एनी वर्क प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट द रिसेप्शन स्टाफ, मस्ट मैंशन टास्क नंबर ऑन द पिक्चर, द नेक्स्ट टास्क विल स्टार्ट एट 9:10 AM। सो इस तरीके का एक मैसेज आया और उसमें उन्होंने एक गूगल पर रिव्यू करने को मेरे को बताया। मैंने उस टास्क को कम्प्लीट किया और उसके बाद देखिए ये एक रेस्टोरेंट का, काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके से मैसेज डाला हुआ है, टास्क वन डाल के काफ़ी सारे लोगों ने टास्क कम्प्लीट किया अपने टाइम पर। ये हमारा टास्क वन था। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक टास्क मिला जिसमें अनदर रेस्टोरेंट के लिए रिव्यू करना था। देखिए कितने सारे लोगों ने इसमें टास्क वन में किया हुआ है, टास्क वन लिखा हुआ है, कितने सारे लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट किया हुआ है, राइट? देखते जाइए बहुत सारे लोग हैं। उसी टाइम पे मेरे पास एचआर जो रिसेप्शन पे लेडी हैं समंता, उनका मिस कॉल भी आया था। बहुत सारे लोगों ने ये टास्क कंप्लीट किया और इसके बाद हमने सेकंड टास्क किया। सेकंड टास्क भी कुछ इसी तरीके से मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए सेकंड टास्क आ गया है, इसमें आपको सेकंड टास्क में भी आपको यही रिव्यू ही देना है। एक रेस्टोरेंट है कलसंग कैफ़े को रिव्यू देना था और ये टास्क भी काफ़ी सारे लोगों ने किया, मैंने भी कंप्लीट किया और टोटल 4 टास्क के बाद पेमेंट आई थी। तो दिखाऊँ मैं आपको बताऊंगा मेरी कितनी पेमेंट आई, स्नैपशॉट भी दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, हर किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है तो वो तो हर किसी के लिए अच्छा है। और सेकेंड टास्क हमारा होने जा रहा है कम्प्लीट और उसके बाद मैं आपको थर्ड और फोर्थ टास्क कम्प्लीट होने का जो पेमेंट आई है वो भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे सेकंड टास्क कंप्लीट किया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड टास्क देखते हैं हमें क्या मिला था। सो ये देखिए ये हमारा आ गया है थर्ड टास्क, ठीक है? आफ रानी रेस्टोरेंट में हमारे को रिव्यूज़ देने हैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू और ये टास्क भी मैंने कंप्लीट करके भेजा था और उस पर टास्क लिख के भी भेजा था। सो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कंप्लीट किया है। देखिए किस तरीके से, लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ टास्क, कुलचा टिक्का रेस्टोरेंट है एक, उनके लिए हमारे को रेटिंग करनी थी 5 और रेटिंग हम 4 नहीं कर सकते, हमारे को 5 रेटिंग ही देनी पड़ेगी तभी हमारा टास्क कंप्लीट माना जाएगा। बिकॉज ये जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो इसके स्नैपशॉट आपको रिसेप्शन पे भेजने पड़ेंगे। जो समंता है वो मेरी रिसेप्शनिस्ट थी, उनको मैंने ये सारे स्नैपशॉट भेजे हैं टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क 4 करके। यहाँ पर मेरा टास्क 4 कंप्लीट हो चुका है, राइट? अभी टास्क 4 कंप्लीट होने के बाद मेरे पास पेमेंट के लिए उन्होंने मेरे को जब मैंने ये फोर्थ अपना टास्क कंप्लीट करा और मैंने समंता को वो मैसेज भेजा कि मैंने ये रिव्यूज़ दे दिए हैं और इसके बाद आप देख लीजिए ये ओके है नहीं, तो उन्होंने बताया कि यस आपके 4 टास्क कंप्लीट हो गए, मैं आपको उनकी चैट पे लेके चलता हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से उनको अपना सारे टास्क की फ़ोटोज़ भेजी। देखिए ये मेरा फर्स्ट टास्क की फ़ोटो भेजी मैंने, ओके, देन मैंने सेकेंड टास्क की फ़ोटो भेजी, देन मैंने थर्ड टास्क की फ़ोटो भेजी उसके और ये मैंने फोर्थ टास्क की फ़ोटो भेजी, चारों टास्क भेजी। उन्होंने बताया कि मेरे को 30 रुपीज़ पर टास्क मिल रहा है इस समय और बिकॉज मैंने इनिशियल फेज़ में हूँ, उनके फर्स्ट ग्रुप में ही हूँ, इसलिए मेरे को 30 रुपीज़ पर रिव्यू मिल रहा है। तो 30 रुपीज़ पर रिव्यू के हिसाब से मैंने 3 टास्क कम्प्लीट करे तो मेरे को इन्होंने बताया कि आपके 90 रुपीज़ का पेमेंट है जो कि हम पे आउट कर सकते हैं, राइट? तो 3 टास्क मैंने कंप्लीट करने के बाद पेमेंट रिसीव करी, दैट इज़ 90 रुपीज़, वो मेरे को इंस्टेंटली उन्होंने पेमेंट कर दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों 90 रुपीज़ भी आ गए, जो मैंने आई थिंक मेरे को 5 मिनट्स लगे होंगे ये टास्क कंप्लीट करने में और 90 रुपीज़ मेरे अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट किए हैं। ये मेरा ही अकाउंट है, देखिए अभिनीत राजपूत के नाम से, इसी अकाउंट पे मैंने UPI ID जो दी थी उसी UPI ID पे ये पैसे मेरे को रिसीव हुए।
फिर उसके बाद आता है फिफ्थ टास्क, मैं आपको फिफ्थ टास्क भी दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये है फिफ्थ टास्क जिस पे हम आ गए हैं, जो हमारा फर्स्ट डे है वर्क का, पार्ट टाइम जॉब का, उसमें हमारे को फिफ्थ टास्क भी मिल गया है। और फिफ्थ टास्क में भी आपको रिव्यू करना है एक रेस्टोरेंट को, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ। रेस्टोरेंट का नाम है अर्बन कैफ़े। सो अर्बन कैफ़े में मैंने रिव्यूज़ डाल दिए और इस तरीके से मेरा फिफ्थ टास्क भी कम्प्लीट हुआ। और मैं आपको सिक्स्थ टास्क पर लेके चलता हूँ। सिक्स्थ टास्क में भी आपको इसी तरीके से देखने मिलेगा। काफ़ी सारे लोग उस पर तुरंत रिप्लाई भी कर रहे थे कि जल्दी से भेजिए, वी आर वेटिंग, इस तरीके से करके। क्राफ्टी किचन का एक रेस्टोरेंट है, ये सारे जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए रिव्यूज़ देते हैं, उनके लिए रिव्यूज़ के लिए काम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ही ज़्यादा मिलने वाले जिनको हमें रिव्यूज़ और रेटिंग देनी होगी। आपको रेटिंग्स देनी होंगी और उसके बाद ये आपकी पेमेंट्स बन दी जाएंगी, राइट। अभी नेक्स्ट टास्क देख। सो दोस्तों फिफ्थ टास्क तक सब कुछ नॉर्मल था, ओके। थ्री टास्क मैंने जो किए उसकी पेमेंट मेरे पास आ गई थी। फिफ्थ टास्क मैंने फिनिश कर दिया था, फोर्थ टास्क मैंने फिनिश कर दिया था। सिक्स्थ टास्क पे जब मैं आया तो मेरे पास ये दिखा, तो इन्होंने मेरे को ये बताया कि मर्चेंट ने एक इनके अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करा रखा है और ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ एक्सचेंजेस करते हैं, जिसके लिए इनको मल्टीपल आईपीज की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। सो मर्चेंट जो है यानी कि जो कस्टमर्स हैं इनके, इन्होंने इनको डिपॉजिट कराया हुआ है और दे नीड ट्रांजिशन इन INR, INR में ट्रांजिशंस चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि है ना आपको जस्ट एक पेमेंट करनी है और उस पेमेंट के बाद इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स आपको 20% रिटर्न के साथ आपका अमाउंट मिल जाएगा और यू कैन स्टार्ट विद 1000 रुपीज़, देर इज़ नो प्रॉब्लम, 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें आप टेबल में भी देखेंगे तो 1000 रुपये पे करने पे आपको 1200 रुपीज मिल रहे हैं, 3000 पे अगर आप कर रहे हो तो 3600 रुपीज मिल रहे हैं। इस तरीके से इस वाले टास्क में मैक्सिमम आप जो पे कर सकते हो वो 80 आप कर सकते हो, 80,000 आप पे कर सकते हो, राइट। तो 80,000 पे करने के बाद आपको जो अमाउंट क्रेडिट होगा दैट विल बी अराउंड 1,04,000। तो दोस्तों इस टास्क में उन्होंने मेरे को, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक स्लैब बनाया हुआ है उन्होंने जिसमें वो 20% से लेकर 30% तक का रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप एक अमाउंट अप टू 15K, अगर आप 15K तक का अमाउंट देते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो वो आपको रिटर्न कर रहे हैं 20% तक। बट अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं लाइक 28K, 50K और 80K अगर आप देते हैं उनको, तो उस केस में वो 30% का रिटर्न आपको विद इन 10 मिनट्स वापस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टास्क था। उसके बाद मैंने ग्रुप चेक किया तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने एग्री किया इस चीज़ के लिए, बट मेरे को दोस्तों थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने HR को मैसेज करा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टास्क। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हमारे को जो टास्क हैं वो सारे ही कंप्लीट करने हैं और हम टास्क स्किप नहीं कर सकते, दिस इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस पार्ट टाइम जॉब। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ और सोच के बताता हूँ। उसके बाद मैंने उनको फिर से बोला कि नहीं, मेरे को ये टास्क स्किप करना है, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे को फिर से बोला कि नहीं, टास्क स्किप नहीं कर सकते हैं आप, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा और आपको 10 मिनट्स के अंदर आपको ये जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, ओके। सो उन्होंने इस तरीके से मेरे को कन्फर्म किया और उसके थोड़ी देर बाद मैंने उनको दोबारा से मैसेज किया। मैं ओके, सो मैंने उनसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सुना, ओके, तो मैंने उनको एग्री किया, आई अंडरस्टैंड, मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा और मैंने उनको बोला ठीक है, ओके। तो उन्होंने मेरे को एक आईडी दी, HBBISHT6969@IBL, ओके, ये आईडी दी उन्होंने, जिस पे मेरे को उन्होंने बोला कि आप जो भी सूटेबल अमाउंट है उससे आप ट्रांसफर कर सकते हो और वी विल गो प्रोसीड फॉरवर्ड, ओके। बट उसके बाद मैंने उनको बोला कि नहीं, तो उसके बाद ओके के बाद जब उन्होंने मेरे को आईडी दे दी, उसके बाद मैंने बोला आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस, एंड मैंने वो स्किप करने के लिए बोला उनको। उन्होंने मेरे को बोला कि यू कैन ट्रस्ट अस, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको 10 मिनट के अंदर ये अमाउंट वापस हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि डोंट वरी सर, हम किसी को फोर्स नहीं करते, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस, ओके। मैंने बोला ठीक है, ओके। तो मैंने ओके थैंक्स बोल दिया और उसके बाद मैंने बोला उनको कि मैं नेक्स्ट टास्क से कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने मेरे को बोला ये आप ट्राई करिए, ये वाला टास्क भी ट्राई करिए आप, ठीक है। फिर मैंने उसको उनको दोबारा से ये बोला कि नहीं मैं इस टास्क को नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका आपका जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई रिस्क नहीं है, वो 10 मिनट्स के अंदर आपका रिटर्न आ जाएगा। फिर उन्होंने ये मैंने जब उनको बोला कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टास्क, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप टास्क स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको टास्क करने ही होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने उनको क्या बोला। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मालूम उनको क्या रिप्लाई किया, तो उसके बाद उनको मैंने रिप्लाई किया कि लगता है फ्रॉड करने वालों के साथ ही फ्रॉड हो गया। सो दोस्तों ये एक फ्रॉड है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पे बहुत ही प्लान तरीके से चल रहा है। मेरा मकसद कंटेंट को इस तरह से बनाने का इसलिए था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था इस फ्रॉड की डेप्थ कि कितने वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस फ्रॉड को किया जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतने बड़े ट्रैप में फंस जाओगे कि आप उस ट्रैप में फंसते जाओगे। मैं अभी आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, आप समझिए, आप ट्राई कर, आप कोशिश करना, थोड़ा सा वेट करो पेशेंस के साथ, आप देखोगे आप कितने बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। ये सिर्फ एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके। उसके बाद वो आपसे और 3 टास्क देंगे, उसके पेमेंट वो आपको रिलीज करेंगे, और उसके बाद एक और टास्क देंगे वो आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो इसमें IQ 7 के कुछ इसमें से जरूर फेक होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये ना आप समझिए साइकोलॉजी को, आप एक एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। आपके ग्रुप में अगर 4-5 लोग डालेंगे कि हाँ मैं 10,000 का कर रहा हूँ, मैं 5,000 डाल रहा हूँ, मैं 6,000 डाल रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कुछ अर्न करने की और आप इसमें लूज कर जाए। 30% रिटर्न आपको सेम डे में दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही टेम्पटिंग लगता है देखने में, बट आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत आइएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग इनके ग्रुप के होते हैं जो कि ये मैसेज डालते हैं कि मैं इतने पेमेंट कर रहा हूँ, इतनी पेमेंट कर रहा हूँ, जिससे कि आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक फियर डेवलप हो और आप जल्दी से पेमेंट करके आप ट्राई करो कि मेरे को ये मिल जाए, राइट। उसके बाद ये देखिए कितने सारे लोगों का दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 3K 5K 10K 7K आईपेड। उसके बाद वो आपको देखिए ट्रांजिशन भी दिखाएंगे ऐसे, देखिए कितना आप जब जाएंगे, अगर आपको इस बार इसके बारे में कुछ नहीं पता है और अगर आप इस ग्रुप में घुस जाएंगे और आप देखेंगे कि इतने सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ट्रस्टवर्दी, राइट। आप यही सोचेंगे इस ग्रुप को देख के, आपको यही लगेगा कि ये बिल्कुल ही ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें, और उसके बाद आप पेमेंट कर देंगे और आप एक ट्रैप में फंसेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद इन्होंने क्या किया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्त, बिकॉज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये ट्रैप किस स्केल पे चल रहा है। जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स थे वो ओके थे, उसके बाद 8वां टास्क जो मिला उसमें भी इसी तरीके से था, उसमें अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया था 2 लाख तक। तो जो लोग आपके सेकंड कैटेगरी में, मतलब आप समझिए जो 6th टास्क आपको मिला था उसमें आपने कुछ अमाउंट पे करा, ओके, और अगर आपने वो 1,000 2,000 3,000 रुपये पे करे हैं तो हो सकता है वो आपको एक बार वापस जरूर करेंगे, जिससे कि वो नेक्स्ट ग्रीड आपके अंदर पैदा करेंगे। बिकॉज आप नेक्स्ट लेवल पे जब जाओगे आपको लगेगा कि हाँ मैंने 1,000 दिए थे, मेरे को 1,200 मिल गए, तो क्यों ना मैं 10,000 के साथ भी नेक्स्ट टास्क करूँ। जो नेक्स्ट डे टास्क देखा था मैंने उस ग्रुप में, हालांकि मैंने उसी समय बोल दिया था कि मैं किसी भी तरीके का पेमेंट आपको नहीं कर सकता, बिकॉज इस तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे पैसे दे दे, राइट। आप खुद सोचिए दोस्त, ऐसा होता है क्या कहीं पे कि आपने एक केवल रिव्यू डाला उसके लिए आपको 200 रुपये मिल गए? ये जस्ट एक ग्रीड जनरेट की जा रही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इस तरीके के फ्रॉड में मत आइए, बिकॉज नेक्स्ट डे भी उन्होंने वो डाला है ग्रुप में, नेक्स्ट डे में एक बड़ी अमाउंट के साथ उन्होंने डाला है। तो जिन लोगों ने 1,000 2,000 रुपये का फर्स्ट डे में उनको पेमेंट किया होगा, तो उनको नो डाउट उनको 200 रुपीज़ ऐड करके दे दिए होंगे जस्ट टू क्रिएट अ ट्रस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो बंदे गए हैं, उनको वो अमाउंट 15K किसी ने दे दिया है, किसी ने 20K दे दिया है, और इस तरीके से वो पैसा पूरा सा गायब हो गया। और आप देखिए उसके बाद उन्होंने एक मैसेज भी डाला है ग्रुप में कि मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ, उस मैसेज में डाला है कि ये हमारे ग्रुप जो है अब हम बंद कर रहे हैं, बिकॉज इस ग्रुप से बाकी सारे जो है मूव ऑन कर गए, और जिन्होंने सेकेंड ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप में, दैट मीन्स वो एक उस फ्रॉड को, बिकॉज उसमें उन्होंने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए, राइट। तो अब वो उस ग्रुप को क्लोज करेंगे, एक नया ग्रुप बनाएंगे, दोबारा से फिल्टर करेंगे, दोबारा से व्हाट्सएप पे जाएंगे, दोबारा से डिजिटल
मार्केटिंग का एड फैलाएंगे, और कुछ लोग जो नए होंगे, जो कुछ अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे होंगे, कुछ इनोसेंट लोग जिनको इस फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता है, वो दोबारा से आएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे के थ्रू, टेलीग्राम पे। तो सोचिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कोई जॉब पूछ रहा है। इंडिया में इतनी सारी जॉब्स हो गई हैं कि हर किसी आदमी के लिए इतनी सारी जॉब्स आ रही हैं। मेरे पास आ रही है, मेरी वाइफ के पास भी आ रही है, सबके पास आ रही हैं ये वाली जॉब्स। तो इतनी कौन सी जॉब्स हैं, इतनी सारी कौन सी जॉब। कोई भी कंपनी, कोई भी रेपुटेटेड कंपनी हो, KPMG का नाम लिया उन्होंने, KPMG अगर इस तरीके से किसी भी तरीके का रिव्यू डालेगी तो वो दोस्तों इस तरीके से कभी भी नहीं डालेगी। अगर दोस्तों अगर अगर आपके पास इस तरीके का किसी भी तरीके का कॉल आता है तो जस्ट इग्नोर देम, टेल देम कि आप इस बारे में सब कुछ जानते हो और आप अभिनीत व्लॉग्स को फॉलो करते हो, इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन है और आप इस ट्रैप में नहीं फंसिएगा अपने। बिकॉज कोई भी कंपनी होगी, कोई भी रजिस्टर्ड इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होगी, वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आपको कभी भी मैसेज नहीं करेगी, कभी भी कॉल नहीं करेगी और कभी भी जॉब के लिए ऑफर नहीं करेगी। जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है उनका एक प्रोफेशनल तरीका होता है काम करने का। वो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू अगर कॉल कर रही है तो एक कॉल करेगी, आपसे रिज्यूम मांगेगी। इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी मेरा रिज्यूम नहीं मांगा गया, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके के किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। और अगर आपसे कोई इस तरीके से बोलता है तो आप उनको बोलिए एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू आइए, आपके मेल आईडी पे मेल करेंगे। एक हर कंपनी की एक ऑफिशियल मेल आईडी होती है, आप उस डोमेन को चेक कर सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर डोमेन किसी जीमेल के थ्रू आ रहा है या किसी XYZ अनरजिस्टर्ड या अनऑफिशियल मेल आ रहा है आपके पास, तो आप समझ सकते हैं, आप समझिए इस बात को कि ये सारा फ्रॉड है। कोई भी इस तरीके से आपको जॉब ऑफर नहीं करता है। फर्स्ट आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपसे जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपने उसमें क्या किया है या उससे रिलेवेंट आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद ही इस तरीके से आपको जॉब के लिए इंटरव्यू आता है या कॉल आता है, राइट। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप किसी भी जॉब के लिए हाँ या ना कर सकते हैं, या किसी भी ऑफर को आप जज कर सकते हैं कि वो जेन्युइन कॉल है या फिर एक फ्रॉड है। ओके दोस्तों, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको दोस्तों कुछ जेन्युइन जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स हैं उसके अपडेट्स मैं आपको अपने यूट्यूब के पेज पर देता रहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मेरे लिंक्स हैं, मोबाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर से, वहाँ पर जो जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं वहाँ का मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजिए, जिससे कि वो भी अवेयर हों इस तरीके के फ्रॉड से। आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी का भी इस तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो, और फाइनेंशियल के साथ साथ ये आपके लिए एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है, राइट। बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जॉब मिल रही है और उसमें आपको इतने इतने ड्रीम दिखा दिए जाते हैं कि 8K पर डे आप कमा सकते हो, और उसके बाद सडनली आपकी फाइनेंशियली जो आपके पास था भी, सेविंग्स भी थी, वो भी किसी तरीके से वो ले ली जाती है फ्रॉड के थ्रू, और उसके बाद आपने जो ड्रीम्स बनाए थे आगे के लिए वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक तरीके से मेंटली भी ये ड्रेनिंग होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सारे रिलेटिव को और सारे फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक द चैनल। अगर वीडियो पसंद आई तो गिव्स अ थम्स अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।